हेलो दोस्तों, दोस्तों दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत है। जितने भी क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं जो भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही क्विक वीडियो होगा, बहुत ही रिविजनेबल वीडियो होगा। इस रिविजन वाले वीडियो के अंदर से आप जल्दी से जल्दी 3 से 4 मिनट के अंदर मैं 22-23 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाले गए ऑब्जेक्टिव और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, तो सभी लोग इस ऑब्जेक्टिव को सुनकर जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए, कॉपी में शॉर्ट नोट टाइप में बना लीजिए। फटाफट से बोलता हूँ, आप इसको अच्छे से सुनते चलिएगा। एक बार मुझे सुन लीजिए तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ का जो 2 मार्च का एग्जाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्लास ट्वेल्थ के लिए, ठीक है। सुनेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव में से आने की पूरी पॉसिबिलिटी, अच्छे लेवल के ऑब्जेक्टिव हमने प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, हालाबाद के प्रवर्तक कवि, हालाबाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। गिर कर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीते या हार का। तो देखिए दोस्तों, हालाबाद के प्रवर्तक कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। दूसरा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया? अच्छा प्रश्न है, तो ये निशा निमंत्रण से लिया गया है, सुनते बस चलिएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद के अंदर हुआ था, जिसको अब क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो आत्मपरिचय कविता में कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है, तो जग और जीवन आप ऐसा लिखेंगे, जग जीवन का, ठीक है। डैश, आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो उसके लिए आप उत्तर लिखेंगे, आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में प्यार लिए फिरता है। नेक्स्ट, आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? स्नेह सुरा का पान किया करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आत्मपरिचय निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया है, यानी आत्मपरिचय कहाँ से लिया गया है? तो आत्मपरिचय निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया, ठीक है। भक्ति, महादेवी जी का प्रसिद्ध क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ठीक है। अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ प्राचीन काल के अवशेष से है, ठीक है। अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ प्राचीन काल के अवशेष से है, ठीक है। आधुनिक कहानियों में आख्यायिका, आधुनिक कहानियों को क्या कहा जाता है? आख्यायिका कहा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। आख्यायिका ऐसा लिखेंगे दोस्तों, ऐसा लिखेंगे, आख्यायिका कहा जाता है, ठीक है। संचारी भाव की संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पेपर में बार बार रिपीट होता है, 3 स्टार लगाइए। संचारी भाव की संख्या 33 है, 2 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में देता है, 33 और 35, तो संचारी भाव की संख्या 33 यानी कि 33 है। नेक्स्ट सवाल, रचना के आधार पर वाक्य के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। A8 याद कर लीजिए, A8 यानी अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, रचना के आधार पर 3 प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। रुवाइयां कविता में किसके लक्ष्य चमक रहे हैं? तो राखी के लक्ष्य चमक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक है दोस्तों केशव प्रथम वीर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली मूक फिल्म, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, ठीक है। दोहे को उल्टा करने पर कौन सा छंद मिलता है? तो सोरठा मिलता है, ठीक है। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? विप्लव का वीर दोस्तों बादल को कहा गया है। नेक्स्ट, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर गुण, ठीक है। उन्मुक्त शब्द किस भाषा का शब्द है? ये तत्सम भाषा का शब्द है। काव्य की आत्मा, बहुत एक वाक्य में उत्तर प्रश्न था, काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा रस को कहा गया। नेक्स्ट, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है दोस्तों? कथानक। ये कुछ 23-24 ऑब्जेक्टिव थे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा कमेंट करके बताइए कैसे लगे ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव चाहिए तो फटाफट से कमेंट कीजिए आज, और इसको अभी तैयार कर लीजिए, सुन के तैयार कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।